सीधी के दुई बड़ी क्राइम के खबर लेके हाजिर है अपना पंचन के सेवा में। बिंद क्षेत्र के यह पहली बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ आरोपी भाग गिरफ्तार। सिहावल पुलिस के यह बड़ी कार्यवाही। चौकी प्रभारी सिहावल प्रीति वर्मा का प्राप्त मुखबिर के सूचना के आधार पर सिहावल पुलिस द्वारा दिनांक 5 जनवरी का सुदामा विश्वकर्मा पिता शिव बहोर विश्वकर्मा उम्र 60 वर्ष निवासी किरौआ थाना कमरजी का अपने मोटरसाइकिल में डिग्गी में अवैध मादक पदार्थ गांजा रख के अमलिया की तरफ से सिहावल आवर रहा ओका जो है ग्राम बमुरी के पेट्रोल पंप के पास पकड़ के मोटरसाइकिल के डिग्गी चेक की है जौने माँ डिग्गी माँ 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा पाभागा उक्त गांजा का जब्त कई के सिहावल पुलिस द्वारा आरोपी सुदामा विश्वकर्मा के ऊपर जो है धारा 220B NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और कार्यवाही की गई है। दूसरी बड़ी खबर ही कि 4 वर्ष पूर्व लापता नाबालिग किशोरी का मजहूली पुलिस के द्वारा जो है सीधी से ढूंढ के परिजनन का सौंपा गया। अपना पत्र बताया दी कि वरिष्ठ अधिकारी और कुशल निर्देशन के मार्गदर्शन में मजहूली पुलिस सीधी के द्वारा जो है 4 वर्ष पूर्व लापता नाबालिग का जो है दस्तयाब करके परिजनन का सौंप दिया गया है। दस्तयाबी के कार्यवाही में थाना प्रभारी मझौली सतीश मिश्रा उप निरीक्षक गंगा सिंह मार को उप निरीक्षक शिवम दुबे आरक्षक नंद कुमार सिंह दीप नारायण सिंह के अच्छा खासा योगदान रहा। निश्चित तौर पर यह दोनों खबर अहम खबर रही। एक तो नशा के खिलाफ चल रही मुहिम में यह बेहद जरूरी है कि अवैध नशन के कारोबार बंद हो जाए, यह लोगन की जान ले रहा है। और दूसरा जो गुमशुदा है ओकर गुमशुदा चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो उनका दस्तयाबी थोक पुलिस का अब तेजी से करे की आवश्यकता ही कहे कि 4 वर्ष पुराना मामला दस्तयाबी आज हो रही है तो निश्चित तौर पर पुलिस का कहन कहूँ मुखबिर तंत्र बढ़ावे पड़ी। और आज तक टेक्नोलॉजी के युग है तो यह कोनो चीज़ नामुमकिन नहीं है। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।